मां बंगला मुखी धामगुल मोहर सिटी नजदीक लम्बापिंड चौक जालंधर में मां बंगला मुखी जी के निमित्त श्रृंखलाबद्ध साप्ताहिक दिव्य हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम ब्राह्मणों द्वारा मुख्य यजमान रूपम प्रभाकर से विधिवत षोडशोपचार पूजन, नवग्रह पूजन, पंचोपचार पूजन उपरांत सपरिवार हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई गई, तो वहीं मां बंगलामुखी जी के निमित्त हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाकर सिद्ध मां बंगलामुखी धाम के प्रेरक प्रवक्ता निश्चित फातवा जी ने दिव्य हवन यज्ञ पर उपस्थित संगत को ईश्वर और उसकी शक्ति के बारे में व्याख्यान करते हुए कहा कि प्रत्येक धर्म में परमपिता परमात्मा को किसी न किसी रूप में मानना और पूजा जाता है, फिर चाहे हम उसे ईश्वर कहें या फिर अल्लाह, उस पर किया गया अटूट विश्वास हमें जीवन जीने की शक्ति और सही दिशा प्रदान करता है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि ईश्वर सत्य है और वो लोगों के दिलों में विराजमान रहते हैं। ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं विश्वास बने रहने पर उनकी अवश्य कृपा बरसती है। इस अवसर पर पूनम प्रभाकर, सरोज बाला, सुनीता कुंबल, धर्मपाल, अमरजीत सिंह, राकेश प्रभाकर, समीर कपूर, अमरिंद्र कुमार शर्मा, रोहित भाटिया, मनीष शर्मा, प्रदीप प्रवीण, लकी, सुनील जग्गी, अशोक कुमार, दीपक, प्रिंस कुमार ठाकुर, बलदीव सिंह सहित भारी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे। वहीं हवन यज्ञ उपरांत विशाल लंगर भंडारे का आयोजन भी किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। नजर कितने नहीं आता, बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा
कि ईश्वर सत्य है पर नजर नहीं आता। किदा नजर आवे, एक दूध लेके आएगा, दूध में मक्खन भी है, घ्यो भी है, लस्सी भी है, दही भी है, ओदिया स्टेजा अलग अलग है, ओदी प्राप्ति करने की स्टेजा भी अलग अलग है। दही को दूध को गर्म करा के जाग लगावांगे दही हो जाएगा, दूध को काढ़ी देवांगे खोया बन जाएगा, दही को बाद में मथा के रिड़कांगे लस्सी बनेगी, मक्खन आएगा, मक्खन गर्म करांगे घ्यो निकलेगा, पर हैगा सब कुछ दूध के विच ही है। ते नजर आता नहीं दूध असीं जिंदगी लैंदे आ, ना उस मक्खन नजर आता, ना उस दही नजर आता, ना उस लस्सी नजर आती, ना घ्यो नजर आता। ऐसे ईश्वर भी नजर नहीं आता, मतलब व्यक्ति विशेष लोड़ नहीं, कोई भी भगत जन आके हवन यज्ञ च आहुतियां डाल सकता है और महामारी का आशीर्वाद ग्रहण कर सकता है। लगातार एक सामूहिक प्रयास है महामारी के चरणों के बीच, हवन यज्ञ लगातार पिछले 8 साल तो चल रहे हैं। ऑन एवरेज असी अगे भी गल करते हैं, हर महीने के बीच 4 शनि महाराज के निमित्त हवन यज्ञ, 4 माँ मंगला मुखी जी के निमित्त हवन यज्ञ, 1 वड्डा हवन यज्ञ मासिक, टोटल 9 हवन यज्ञ हो गए ते 12 महीने होंगे, 108 हवन यज्ञ लगातार हर साल महामई के निमित्त होते जा रहे हैं। अजे इस तो अलग शनि जयंती से, दशहरे से, दिवाली से असंख्य हवन यज्ञ होर भी महामई के निमित्त होंगे हैं।